भाजपा सरकार से सभी वर्ग दुखी हैं, आने वाला समय कांग्रेस का है। यह बात पूर्व ओएसडी डॉक्टर केवी सिंह ने कालांवाली अनाज मंडी का दौरा कर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनाव से पूर्व युवाओं के लिए अनेक वायदे किए थे, लेकिन सरकार आने के बाद एक भी वायदा पूरा नहीं किया। भाजपा से हर नागरिक व वर्ग दुखी है, आने वाला समय कांग्रेस का है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे आपसी मतभेद भुलाकर पार्टी को और मजबूत बनाने का कार्य करें। न्यू न्यूज फॉर यू के लिए सिरसा से डॉक्टर अभिषेक के साथ कालांवाली से चानन सिंह की रिपोर्ट। पहले जितने भी काम थे दवाई सब करने पड़ते थे दवाई हल्के, आज भी वो दवाई हल्के के अंदर है, परंतु कालांवाली सब डिवीजन नया बनाने के बाद बनने के बाद काफ़ी जो दवाई हल्के के काम है वो इस सब डिवीजन में आ गए। सब डिवीजन भी कालांवाली है, तहसील भी कालांवाली है और थाना भी कालांवाली है, और अर्थ की भी लोगों की सारों के काम खरीदो फरोख्त का इलाज का अर्थ का आना जाना कालांवाली है। तो इसलिए मैंने ये अपना मन बनाया कि क्यों ना महीने में एक या दो दिन कालांवाली जाकर जो वहाँ के लोगों की है वहाँ से मिल, ताकि उतनी दूर 30 किलोमीटर उनको ना आना पड़े, वहीं मुख्यालय पर जाके जो भी काम है जो भी समस्या है सुन के उसको निदान करने की एक विपक्ष की भूमिका के रूप में। तो मैंने उस कड़ी में फैसला किया कि हर महीने के 3 और 18 तारीख कालांवाली आया करूँगा, और जो भी मेरे साथी उनसे भी सलाह इशारा करके रूपरेखा जो जन विरोधी नीतियाँ सरकार की उनके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम कर